हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 3 फरवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2nd and 3rd February के टॉप 10 एमसीक्यूज करंट अफेयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन बटन। और इसके साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप HP GIT, HP क्लर्क, HP TET और HP कॉन्स्टेबल की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इन सभी एग्जाम के लिए 2021 में एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें। और यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आपने मुझे बताना है वर्ल्ड वेटलैंड डे कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है। आपके ऑप्शन ए 1st Monday of February, ऑप्शन बी 2nd February, ऑप्शन सी 1st February या फिर ऑप्शन डी 1st Tuesday of February। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा ऑप्शन बी, 2nd February इज द राइट आंसर। तो हर साल जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2nd February को। वर्ल्ड वेटलैंड की बात करें तो ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था 1987 से, और 2021 में जो है कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड जो है अपना 50 इयर्स कंप्लीट करेगी। और ये वेटलैंड डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स आपका, एक रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर, वहीं पे जो है रामसर कन्वेंशन भी होती है, जो कि आपकी होती है वेटलैंड से रिलेटेड, वेटलैंड के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उनके प्रिजर्वेंस से रिलेटेड। तो वहीं पर यह डिसाइड किया गया था कि 2 फरवरी जो है सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि इसी दिन साइन हुई थी रामसर कन्वेंशन भी, जिसके अंदर वेटलैंड के प्रोटेक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे से ही है, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021। तो आपने मुझे थीम बतानी है वर्ल्ड वेटलैंड डे की। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ से रहे, ऑप्शन ए वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी वेटलैंड्स एंड वाटर, ऑप्शन सी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी वेटलैंड्स एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेटलैंड एंड वाटर जो है 2021 के वर्ल्ड वेटलैंड की थीम है। काफ़ी बार एग्जाम में ये थीम पूछी जाती है, आप इसे याद रखें। अगर ऑप्शन ए को देखें वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जो थीम थी ये थी 2020 की, ठीक है। और बात करूँ वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो थीम थी ये थी 2019 की। तो आप इस सिक्वेंस को भी याद रखें, 2021 की जो थीम है 2021 की वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेट ने हाल ही में टॉप किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में टॉप किया है जस्टिस रिपोर्ट 2020, जो कि आपका 2nd edition है इस रिपोर्ट का। इसका जो 1st edition था वो आया था 2019 में। इस रिपोर्ट में जो है 2 टाइप से जो है इसकी रिपोर्ट का इंडेक्स निकाला जाता है। एक इंडेक्स में निकाला जाता है आपका लार्ज स्टेट के बारे में और एक आता है आपका स्मॉल स्टेट में। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है लार्ज स्टेट के लिए, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़ है तो वो आता है लार्ज स्टेट में, और किसी स्टेट की अगर पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है तो वो आएगा स्मॉल स्टेट्स में। तो अगर देखा जाए वो लार्ज स्टेट में, तो लार्ज स्टेट में जो 1st rank हासिल किया वो किया महाराष्ट्र ने, और उसके बाद है तेलंगाना और तमिलनाडु। वहीं देखूं मैं आपका स्मॉल स्टेट में, तो स्मॉल स्टेट में जो आपका रैंक 1st हासिल किया वो है त्रिपुरा, और उसके बाद है सिक्किम एंड गोवा। और बात करूं द जस्टिस रिपोर्ट की, तो फ्रेंड्स ये आपका इनिशिएटिव है। इस रिपोर्ट को जो लॉन्च करता है वो करता है टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कोज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, दक्ष, टिस प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड हाउ इंडिया लिव्स। ये कुछ 4-5 NGO आपके मिलके जो है इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, आप इसे याद रखें। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर लगभग जो 29% जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या फिर जितने भी स्टेट्स के अंदर, जितने भी टोटल स्टेट्स के अंदर जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपके स्टेट के कोर्ट हो, उनके अंदर जो टोटल
महिला जज हैं वो है 29%, तो फीमेल यानी कि वुमेन जो जजेस की संख्या है वो है 29%, आप इसे भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू रिसेंटली लॉन्च अ यूनिक रेफरेंस मटेरियल डेवलप्ड बाय नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च टू हेल्प इन केमिकल टेस्टिंग इन एंटी डोपिंग फील्ड, वेयर इज NIPER हेडक्वार्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है एक यूनिक रेफरेंस मटेरियल जो कि आपका हेल्प करेगा टू चेक द केमिकल टेस्टिंग इन एंटी डोपिंग फील्ड में। तो आपने मुझे बताना है, ये डेवलप किया है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ने और साथ में डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने। तो इस क्वेश्चन में आपने मुझे सिंपल बताना है कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ABCD में से वो होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। गुवाहाटी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं किरण जो हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया एक रेफरेंस मटेरियल जो कि आपका यूज़ किया जाएगा एंटी डोपिंग फील्ड फॉर केमिकल टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, एंटी डोपिंग टेस्ट होता है, आपको पता है जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं किसी भी गेम को खेलते तो उनका सबसे पहले एक एंटी डोपिंग टेस्ट एजेंस आपका एक टेस्ट होता है ताकि वो कोई किसी प्रकार का केमिकल तो नहीं यूज़ कर रहे अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए एक रेफरेंस मटेरियल बनाया है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी और इसके साथ हेल्प की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। तो उसके जो हेडक्वार्टर हैं ना इनकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के, वो है आपके गुवाहाटी में। और बात करूँ नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी की तो इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखें जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है, द इंडियन शूटिंग कॉन्टिजेंट्स हैज टॉप द मेडल टैली एट द इनॉग्रल एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन द चैंपियनशिप। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, इंडिया कॉन्टिजेंट यानी कि इंडिया की एक टीम ने, शूटिंग टीम ने हाल ही में मेडल टैली में फर्स्ट रैंक हासिल किया है जो कि फर्स्ट टाइम हेल्ड की गई है एशियन ऑनलाइन शूटिंग गेम्स में। तो आपने मुझे बताना है कितने मेडल इंडिया ने इसमें जीते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 मेडल। अब देखते हैं, द इंडिया शूटिंग कॉन्टिनेंट हैज टॉप द मेडल टैली इन द फर्स्ट एवर एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। तो फर्स्ट टाइम इनोग्रेट की गई थी एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द कुवैत। कुवैत कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, कुवैत शूटिंग फेडरेशन ने, जो कि चली थी 29 और 30 जनवरी 2021 तक। और इसमें जो इंडिया ने मेडल टैली में फर्स्ट रैंक भी हासिल किया है और इसमें जो टोटल मेडल जीते इंडिया ने 11 और उसमें से गोल्ड मेडल की संख्या है 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी याद रखें। कुवैत सिटी की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है कुवैत सिटी में, कुवैत कंट्री की कैपिटल है कुवैत सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है, विच टीम हैज़ वोन दी सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21। अब क्वेश्चन है, बड़ौदा रेलवेज, तमिलनाडु एंड इंडियन आर्मी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तो फाइनली आफ्टर 14 ईयर तमिलनाडु ने अपने नाम किया है सईद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के खिताब को। इन्होंने फाइनल में बड़ौदा को हरा के इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। आपको बता दें इस टूर्नामेंट का जो फर्स्ट एडिशन था जो कि हेल्ड हुआ था 2006-07 में, उसको जो फर्स्ट विनर था वो भी तमिलनाडु टीम थी। तो आफ्टर फर्स्ट खिताब अपने नाम करने वाली तमिलनाडु ने 14 साल के बाद इस टूर्नामेंट के खिताब को फिर से हासिल किया है। और आपको बता दूं तब भी इस टीम के कैप्टन दिनेश कार्तिक थे और अभी भी जो इस टीम के कैप्टन है वो दिनेश कार्तिक हैं। तो बड़ौदा को हरा के तमिलनाडु टीम ने अपने नाम खिताब जो हासिल किया है वो किया है सईद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट को जीत के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोटैनिकल गार्डन नेम्ड शिवालिक आर्बोरिटम हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया टू प्रिजर्व 210 स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय। तो फ्रेंड्स, शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयस में प्रिजर्व करने के लिए 210 स्पीसीज ऑफ ट्रीज हाल ही में बोटैनिकल गार्डन जिसका नाम है शिवालिक आर्बोरिटम इनोग्रेट किया गया है। तो आपने मुझे बताना है ये कौन सी सिटी के अंदर इनोग्रेट किया गया है। अब क्वेश्चन है, गुवाहाटी, श्रीनगर, शिमला या फिर नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नैनीताल। तो नैनीताल इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं
नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोटेनिकल गार्डन नेम्ड शिवालिक आर्बोरिटम हैज़ बीन इनोग्रेटेड। और इसके अंदर फ्रेंड्स का जो मेन काम होगा वो होगा कि किस तरह प्रिजर्व किया जा सके शिवालिक रेंज और ऑफ हिमालय में फाउंड की गई 210 स्पीसीज ऑफ ट्रीज, यानी कि 210 स्पीसीज ऑफ ट्रीज, इसको किस तरह कंजर्व और प्रिजर्व किया जा सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक। आपने मुझे बताना है हाल ही में फर्स्ट टाइम फेसबुक ने अपना चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर को नियुक्त किया, आपने उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। फेसबुक ने हाल ही में अपॉइंट किया है हेनरी मोनीस को अपना फर्स्ट एवर चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर। फ्रेंड्स फेसबुक के जो सीईओ हैं और एमडी हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। तो फ्रेंड्स आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने मुझे बताना है फेसबुक कब फाउंड किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, फेसबुक कब फाउंड किया गया था आपने मुझे उस साल के बारे में बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सौरभ चौधरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सौरभ चौधरी इनमें से कौन से स्पोर्ट्स को खेलता है, क्वेश्चन शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन या फिर रेसलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शूटिंग इज द राइट आंसर। सौरभ चौधरी हाल ही में न्यूज़ में भी थे क्योंकि इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, जो कि आपकी एक गेम है शूटिंग की, और इन्होंने हाल ही में एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की गई कुवैत सिटी में, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए ये न्यूज़ में भी थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग विल बी होनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मा विभूषणा अवार्ड इन पब्लिक अफेयर। गिवन ऑप्शन में से कौन सा वो पर्सन है जिसको हाल ही में मिला है पद्मा विभूषण पब्लिक अफेयर फील्ड में। आपके ऑप्शन है शिजो अबे, बराक ओबामा, इब्राहिम सलोही या फिर बोरिस जॉनसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिजो अबे। तो शिजो अबे को हाल ही में मिला है पद्म विभूषण पब्लिक अफेयर में, और ये आपके फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको पद्मा अवार्ड से रिलेटेड अगर एक सेपरेट वीडियो, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में चाहिए कि किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो आपको हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड आपको एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी। बस आपको सर्च करना है पद्मा अवार्ड एचपी स्टडी हब, आपको उस अवार्ड से रिलेटेड, पद्मा अवार्ड से रिलेटेड सेपरेट वीडियो वहाँ पे हमारी चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि इस बार कितने पर्सन को टोटल पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। और आज का मेरा क्वेश्चन दूसरा ये भी रहा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल कितने पर्सन को इस साल पद्मा अवार्ड मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर आप डिटेल में डिस्कस करना है किसको किस फील्ड में मिला है या किस किस पर्सन को मिला है, तो आपको हमारी वीडियोस में सब कुछ मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और आज के लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर कंफर्म विद द जीवन रक्षा पदक अवार्ड दिस ईयर। तो आपने मुझे बताना है जीवन रक्षा पदक अवार्ड कितने पर्सन को इस साल दिया गया। अब क्वेश्चन है 40, 50, 60 या फिर 52। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 40। द जीवन रक्षा पदक इज अ सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जीवन रक्षा पदक जो है वो एक सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड है, जब भी कोई किसी की हेल्प करता है उसकी लाइफ बचाने के लिए तब ये दिया जाता है जीवन रक्षक पदक, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और इसका जो ओरिजिनली नाम है वो है जीवन रक्षा पदक क्लास 3। और इस अवार्ड्स में इसको जो अप्रूवल देता है इन अवार्ड्स को वो देते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने हाल ही में अप्रूव किया है जीवन रक्षा पदक की सीरीज को 2020 की, जिसमें आपके 40 पर्सन को ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये भी आपका वर्ग में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जो इसमें मिलता है वो है उत्तम जीवन रक्षक पदक जो कि 8 लोगों को मिलेगा, उसके बाद मिलता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो कि 1 पर्सन को मिलेगा, और उसके बाद मिलता है जीवन रक्षा पदक जो कि मिलेगा इस साल 31 पर्सन को। तो इसमें जो सबसे हाइस्ट पे होता है वो होता है आपका उत्तम जीवन रक्षा पदक, उसके बाद आता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, और लास्ट में आता है जीवन रक्षा पदक। 3 कैटेगरी में आपका ये अवार्ड दिया जाता है। तो आप याद रखें ये जो अवार्ड है इस साल 40 लोगों को दिया गया है। आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।